Are an important, I would say, segment both for. ये तो भी दम पैसे में भी ज़्यादा चल. इनकी रेंज क्या हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका. वेलकम बैक टू माय चैनल. एंड फाइनली मैं व्लॉग को स्टार्ट करना नहीं भूली. इससे पहले जो मैं दो व्लॉग्स बना चुकी हूँ, मैंने दोनों में बोला था मैं व्लॉग स्टार्ट करना भूल गई. अभी भी कोई प्लान नहीं था व्लॉग करने का, बट देन आई वाज लाइक कोई इवेंट में जा रही हूँ तो ऑब्वियसली आपके लिए कुछ ना कुछ तो कैप्चर करने को होगा, अदरवाइज डेली लाइफ में क्या ही होता है दिखाने को. सो मैंने ऑलमोस्ट मेकअप कर लिया है. अभी मैंने सेटिंग स्प्रे लगाया तो थोड़ा सा अभी डैम्प है, उसका लिपस्टिक लगानी है. दिस इज हाउ माय मेकअप लुक्स लाइक. बहुत जल्दी जल्दी में गया लाइनर, पता नहीं मुझे इक्वल लग नहीं रहा. बट या कमिंग टू द इवेंट, इवेंट क्या है? सो बेसिकली हम एक कंपनी के साथ काम करते हैं, लाइक इट्स एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी जिसके साथ हम बहुत सारे कैंपेन्स करते हैं. तो उनका एक क्रिएटर मीटअप है बेसिकली इन गुड़गांव. सो जहाँ पर क्रिएटर्स आएंगे वहाँ पर बहुत सारी ब्रांड्स भी आएंगे जिनके साथ हम काम करते हैं. सो इट्स मोर लाइक अ नेटवर्किंग स्पेस जहाँ पे आप नेटवर्क करोगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करोगे. कमिंग टू द आउटफिट, मैं सुबह सुबह लिटरली वैक्स करवा के आई हूँ कि आज मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ, अच्छी से कोई ड्रेस पहन लूँगी. बट मैंने नोटिस किया मेरी सारी ड्रेस जो है ना काफी बबली बबली क्यूटी या फिर पार्टीज वाली ड्रेसेस हैं. और ये थोड़ा सा फॉर्मल इवेंट है तो मुझे थोड़ा सा ना फॉर्मल कॉर्पोरेट लुक चाहिए थी. सो मैं फाइनली डिच कर रही हूँ ड्रेस को, प्लस बारिश भी आ रही है, बहुत कीचड़ कीचड़ ऐसा हो जाता है. सो मैंने एक लुक क्रिएट कर लिया. अब इससे पहले जो मैंने रोका वाला Q&A बनाया था उसमें ये वाला टॉप पहना था. काफी डीएम्स आए थे कि ये टॉप कौन सा है. ये मैंने लाइफस्टाइल स्टोर से लिया था सेल पे, अराउंड 50% ऑफ पे मुझे टॉप मिला था. सो मैं ये टॉप पहनने वाली हूँ ग्रीन. अच्छा एक फॉर्मल टाइप, मतलब फॉर्मली बोलेंगे नहीं, अच्छी कॉर्पोरेट लुक देता है. और इसके साथ आई थिंक मैं ये वाली पैंट्स पहनने वाली हूँ जो मैंने मिंत्रा से खरीदी थी काफी पहले. दीज आर फ्रॉम सासाफराज. ये सासाफराज की पैंट्स है. सो दिस आउट लुक्स लाइक. आई थिंक मुझे थोड़ी सी आयन करनी पड़ेगी और मैं काफी लेट हो गई हूँ तो मैं फटाफट रेडी होती हूँ. मैं सीधा आपको रेडी होकर ही मिलूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग. अगर पहली बार आए हो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल. लाइक तो लास्ट में करेंगे, बट या लेट्स गो. एंड आई एम रेडी. लिपस्टिक एंड ऑल लगा लिया. अभी मैंने खाली इयररिंग्स ही पहने, वॉच नहीं पहनी. अभी निकलते वक्त पहनूंगी. कैब मैंने बुक कर लिया. बाल मैं खोलने वाली हूँ वहाँ पे, ऑब्वियसली अभी तो टाइगर हुए तो गर्मी इतनी ज़्यादा है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई होप थोड़ी सी एक अच्छी फॉर्मल सॉर्ट ऑफ लुक आ रही है. सो बैग के लिए मैं पहले ये वाला बैग ले रही थी, ज़ारा वाला, लेकिन मैं ये डेली बेसिस पे कैरी करती हूँ और ज़्यादा हो गया, बोर हो गई हूँ मैं इससे, तो मैं दूसरा वाला बैग ले रही हूँ थोड़ा सा फैंसी करने के लिए लुक को. सो दिस इज वॉट आई एम कैरिंग. ये ऑल्डो से लिया था मैंने. इट्स लाइक नाइस परी परी बैग और इसके ब्लैक कलर के एलिमेंट के साथ अच्छा भी लग रहा है. एंड फॉर फुटवेयर, फुटवेयर कैसे दिखाऊँ मैं? एम द वर्स्ट इन्फ्लुएंसर जो फुटवेयर ऐसे दिखाती होगी. बट या दीज आर फ्रॉम आजियो. आपने मेरे आजियो हॉल में देखे होंगे, वहां पर जाके ना मैं पूरा एक अच्छे से OOTD वाला डालूंगी. सो लेट्स गो. Thank you.
आई एम बैक होम. सुपर टायर्ड, लिपस्टिक पूरी उतर चुकी है, मेकअप पूरा क्रैक हो रहा है बिकॉज काफ़ी देर हो गई. बट द इवेंट वॉज गुड, मतलब मैंने बहुत टाइम बाद कोई इवेंट अटेंड किया और आई थिंक करना चाहिए बिकॉज नेटवर्किंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है. यू गेट टू मीट सो मेनी पीपल. आई मेट लाइक इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स थे, यूट्यूब के क्रिएटर्स थे, देन कंपनी साइड से काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्वेस्टर्स थे, तो काफ़ी मज़ा आता है. लाइक इंट्रैक्शन होती है, मुझे ऐसे इवेंट अच्छा लगता है जहाँ पर कुछ नॉलेजेबल शेयर करने को होता है रादर देन जस्ट लाइक पिक्चर्स क्लिक करना और बस फैंसी दिखना. सो या इट वॉज गुड, इट वॉज अ स्मॉल इवेंट बट इट वॉज गुड. एंड उसके बाद जो भी खाया पिया वो तो आपने व्लॉग में देख लिया होगा. आई एम नॉट एंडिंग द व्लॉग है बिकॉज इतना छोटा व्लॉग तो करने नहीं वाली. अब हम किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे जब कुछ होगा. अगर कल कुछ एक्साइटिंग होगा तो कल व्लॉग कर लेंगे, अदरवाइज एक या दो दिन बाद. बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू व्लॉग फॉर यू गाइज, सो प्लीज वॉच इट, लाइक इट एंड या आई सी यू लेटर. Hello, I'm back to my favorite place where I like to review products and you hear my reviews on them. So, अभी क्या है ना, मेरी स्किन टाइप कैसी चल रही है कि डार्क स्पॉट्स है, थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है और ये आई थिंक मैक्सिमम लोगों को इशू रहता है, स्पेसिफिकली जिनकी एक्ने स्किन होती है बिकॉज एक्ने तो चले जाते हैं लेकिन उसके बाद जो डार्क स्पॉट्स छोड़ के जाते हैं ना वो अलग ही लेवल के होते हैं बिकॉज वो इतनी जल्दी फेड नहीं होते. सो डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स, काफी बार मलाजमा के इशूज हो जाते हैं, अनइवन स्किन टोन हो जाती है. तो इन सबके केस में जो एक हीरो प्रोडक्ट होता है ना जो सबसे बेस्ट वर्क करता है इन सबके ऊपर और जो इफेक्टिव रिजल्ट देता है वो है कोजिक एसिड. और इस पर्टिकुलर रेंज के लिए तो मेरे पास इतने डीएम्स आए थे ना कि रिव्यू करो. तो देयर यू गो, मेरे पास है ये डर्माकोका 2% कोजिक एसिड सीरम. इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, इज अ वेरी नाइस सीरम जो स्पेसिफिकली इन सारी कंडीशन पे वर्क करता है. सो इसके अंदर आपको मिलेगा 1% अल्फा आर्बिटिन विच इज अगेन रियली नाइस फॉर लाइटनिंग योर एक्ने मार्क्स एंड जो भी स्कारिंग या फिर जो पिगमेंटेशन होती है उस पर हेल्प करता है. देन इसके अंदर नाइसिनमाइड भी है विच वी ऑल नो इज लाइक द बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर एक्ने स्किन कंडीशन. और इसके अलावा आपको कोजिक एसिड मिलता है जिसका हीरो प्रोडक्ट है. अगर आपको नहीं पता कोजिक एसिड कैसे वर्क करता है, इट काइंड ऑफ पेनिट्रेट्स इनटू योर स्किन और ये जो स्पेसिफिकली ये पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स पर ही फोकस करता है. आप काफी बार देखोगे डर्मैट्स भी जब कुछ ना कुछ क्रीम्स रिकमेंड करते हैं ना उसमें कोजिक एसिड होता ही होता है. सो डेफिनेटली दिस इज रियली नाइस फॉर आर काइंड ऑफ स्किन टोन. इसका टेक्स्चर काफी अच्छा, आप देख सकते हो एकदम पतला पानी जैसा टेक्स्चर है. येलो कलर का इसका कलर है, बेसिकली दिस नॉट ऑक्सीडाइज, इसका कलर ही येलो है, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. सो एकदम पानी जैसा, आप जस्ट हाथ पे लो और इसको स्प्रेड कर लो अपने पूरे फेस पे, बहुत जल्दी स्किन में चला जाता है, बिल्कुल भी हैवी ग्रीसी फील नहीं होता. इस पे लिखा हुआ है यू कैन यूज इट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट बोथ. अगर आप डे टाइम पे यूज करोगे तो प्लीज सनस्क्रीन यूज कर लेना, दो आई वुड रेकमेंड इसको नाइट टाइम पे यूज करो अगर सेंसिटिव स्किन है तो, बिकॉज डे टाइम में अभी क्या है बहुत ज्यादा गर्मी धूप होती है ना तो इतना सेफ नहीं रहेगा. सो आई वुड से नाइट टाइम पे ही यूज करना. सो उसको आप रात को भी इजिली यूज कर सकते हो. और इसके अलावा डर्माको की क्रीम भी आती है, दे हैव द कोजिक एसिड क्रीम एज वेल. यू कांट यूज बोथ ऑफ देम टुगेदर, मैं क्लियर कर रही हूँ, ये दोनों एक साथ यूज करने वाली चीजें नहीं है. आइदर यू कैन यूज अ सीरम और अ क्रीम, आपकी चॉइस, आप दोनों में से कुछ भी एक चीज यूज कर सकते हो. सो ऑलवेज से अगर इसको डे टाइम पे यूज करो तो प्लीज सनस्क्रीन यूज करना, और नहीं भी यूज करे रात को यूज करो तो फिर भी सनस्क्रीन यूज करनी है, कहने वाली बात नहीं है, यू हैव टू यूज अ सनस्क्रीन. आई हैव देयर बेस्ट सेलर सनस्क्रीन, यह डर्माको की 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन देती है, एसपीएफ 50 विद पीए 4 times प्लस इसमें ब्लू लाइट की प्रोटेक्शन भी मिलती है विच इज अमेजिंग. आजकल बहुत ज्यादा हमारा टेक के साथ वो होता है ना, कहीं ना कहीं चलता रहता है लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, तो उसके लिए हमें ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है. इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन ई है विच इज अगेन रियली नाइस फॉर योर स्किन, एकदम हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. आई लव द फैक्ट इसका टेक्स्चर एकदम क्रीमी है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता, इट गोज लाइक वाटर इन टू योर स्किन, बिल्कुल भी हैवी या वो व्हाइट कास्ट जो होता है ना वो इस पर फील नहीं होता विच आई पर्सनली लव. अदरवाइज गर्मी में बहुत सारी जो सनस्क्रीन है ना वो ऐसे हैवी हैवी और ऐसे चिपचिप फील कराती है, वो इसके साथ नहीं होता, बहुत अच्छी सी मुझे कंसिस्टेंसी लगी. डेफिनेटली यू कैन ट्राई दीज रेंज. बाय द वे अगर आपको नहीं पता डर्माको इज नाउ 100% फ्रेग्रेंस फ्री, इनके किसी प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस नहीं है. इनफैक्ट ऑल दीज सीरम्स आर लाइक सल्फेट, पैराबिन, डाई, मिनरल ऑयल फ्री, सो दे आर वेरी सेफ फॉर योर स्किन एज वेल. ऑल्सो डर्माको का जो है वो यंग साइंटिस्ट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव चलता है जिसके अंदर बेसिकली एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम डर्माकोज वेबसाइट दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि एंड दे हैव प्लेज टू हेल्प 10,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर विच इज रियली नाइस. डर्माको की वेबसाइट पर मेरा कोड लगेगा कशिका 2022 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ. इसके अलावा आप लेना चाहते हो आप Amazon, Nykaa, Flipkart से भी ले सकते हो लेकिन वहां पर एक कोड नहीं चलेगा, मैं क्लियर कर रही हूँ. बट या दैट इज इट फॉर माय रिव्यू ऑन दीज प्रोडक्ट्स, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो चेक कर लेना. Moments later.
हेलो, इट्स द सैटरडे। आई थिंक मैं दो दिन बाद अब व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। बीच में दो दिन कुछ हुआ नहीं था, खाली मैं जिम गई थी, वर्कआउट किया था। जिम का मैं व्लॉग करना भूल गई। आई नो आई एम अ वेरी बैड व्लॉगर। अगर मंडे जाऊँगी ना जिम तो थोड़ा बहुत व्लॉग कर लूँगी कि क्या मैं वर्कआउट करती हूँ क्या हो गया मेरे गले को। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज मैं जा रही हूँ दोबारा लाजपत नगर मार्केट। डोंट आस्क मी व्हाई, मतलब हमारे वहाँ पे इतने चक्कर लग चुके हैं ना, हम यूज टू हो गए उस मार्केट को। सो स्टार्टिंग में जब मैं अपने कजन के वेडिंग के जितने भी फंक्शन के कपड़े ले रही थी वो सब लाजपत से लिए, तो मेरी फ्रेंड ने भी एक वहाँ से एक क्लोथिंग पीस लिया था इंडियन वेडिंग का, और वो उस टाइम ऑल्टर नहीं हुआ था, तो अब हम वो पिक करने जा रहे हैं। सो आई एम अगेन गोइंग टू लाजपत, और आज मैं कुछ नहीं शॉप करने वाली। मैं पूरा दिमाग में प्रिपेयर होकर जा रही हूँ, कशिका कुछ नहीं लेना, बहुत कुछ ले लिया है, बहुत खर्चा कर दिया है, सो अब कुछ नहीं लेने वाली। सो मुझे लगा जा रही हूँ तो व्लॉग ही कर लूँगी। वैसे शाम का टाइम है, या इट्स 4:54, इस टाइम तक तो जाते जाते अंधेरा ही हो जाएगा। बट या लेट्स सी, लेट्स गो। अब मैं अपना कैमरा बाहर निकालना शुरू कर रही हूँ, मैं अपना टैलेंट बाहर निकाल रही हूँ। ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर लाजपत नगर मार्केट नाउ। लास्ट टाइम भी मैंने व्लॉग बनाया था थोड़ा बहुत, लेकिन उस टाइम मेरा सारा ध्यान शॉपिंग पर था तो मैं इतना क्लिप्स नहीं शूट कर पाई। लेकिन आज मैं शॉपिंग नहीं करने वाली, तो आपको अच्छे से मार्केट दिखाती हूँ। सो लाजपत नगर जाने के लिए सबसे बेस्ट ये पिंक लाइन ही है, ये आपको डायरेक्ट उस मार्केट तक लेके जाती है। थोड़ा बहुत ही चलना होता है यहाँ पे। अगर रिक्शा वाले बोले हम आपको मार्केट छोड़ देंगे, मत लो, बिकॉज वॉकिंग डिस्टेंस ही है। आप थोड़ा बहुत चलोगे मार्केट शुरू हो जाएगी लाजपत नगर से। सो हम ये डॉलमा आंटी वाले कट से अंदर आए थे और काफ़ी भीड़ थी। सैटरडे की शाम थी तो ऑब्वियसली काफ़ी भीड़ होनी ही थी। बहुत हमने एक्सप्लोर किया, फिर हमें लगा पहले कुछ खा लेते हैं, बिकॉज भूख बहुत सॉलिड लग रही थी। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम दोबारा वापस पीछे आए, हमने डॉलमा आंटी के मोमोज खाए। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं इनके मोमोज अच्छे नहीं हैं, ओवर हाइप्ड हैं, एंड आई थिंक सही कहते हैं, बिकॉज मतलब एवरेज ही है मोमोज। मुझे इनके नॉर्मल वाले मोमोज नहीं अच्छे लगे थे, स्टीम वाले, सो हमने तंदूरी वाले खाए, ये फिर भी अच्छे थे। फिर हमें और भूख लगी तो हमने सोचा गोलगप्पे खा लेते हैं, एंड ये गलत डिसीजन था, बिकॉज ओवर ईटिंग तो अलग हुई, बट मेरे को गोलगप्पे सूट नहीं करे, मुझे नेक्स्ट डे तक स्टमक एक रहा था। सो गोलगप्पे के स्टैंड के थोड़ा और आगे जाकर ऐसे आपको बहुत सारे कपड़ों के स्टैंड्स मिल जाएंगे, जहाँ पे 100-200-300 तक के टॉप मिलते हैं। वैसे तो 100-200 में ही थे, काफ़ी क्यूट क्यूट टॉप आप स्पॉट कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक सरोजनी, सरोजनी में जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। एंड देयर यू गो, दिस इज़ अ मार्केट। मार्केट एंटर करने के बहुत सारे रास्ते हैं, हम डॉलमा आंटी से एंटर कर रहे थे। सो ये वाली जो लेन है ये डॉलमा आंटी के थ्रू जाती है, और इसके आगे जाके इनसेंस आ जाता है। दो तीन और शोरूम्स आते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी वेस्टर्न ड्रेसेस भी मिलती हैं, और उनके बाहर आपको ऐसे स्टोर्स मिलते हैं जहाँ पर इंडियन कपड़े, वेस्टर्न, मतलब लाजपत इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आपको इंडियन भी मिलेगा, आपको वेस्टर्न भी मिलेगा। आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स दिखेंगे जहाँ पर ऐसे शरारा गरारा के सूट सेट आपको मिल रहे होंगे, बहुत सारे बैग्स, और ऐसे भी शोरूम्स मिलेंगे। यही छोटे छोटे शोरूम्स में आपको काफ़ी अच्छे इंडियन वेयर मिल जाते हैं। तो अगर आपको शादी के लिए लहंगा सूट देख रहे हो ना, आप ये वाली मार्केट डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बीच बीच में आपको रैंडमली इंटीरियर डिजाइनिंग का, मतलब एज एन होम डेकोर का, बैग्स एंड ऑल सब कुछ मिल जाएंगे। जितने भी बैग्स आजकल मीशो वगैरह में मिलते हैं ना, ये ईजिली आपको ऐसी मार्केट में ऑलमोस्ट हाफ रेट पर पड़ेंगे। एंड ये जो ट्रेंडी आजकल चल रहा है काफ्तान के सेट्स, गरारा शरारा के सेट, लाइक लुक एट दिस, ये वाले आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। मैंने भी एक अमेजोन से मंगा लिया था, लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया तो ऑर्डर आ ही चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट ऐसे सिमिलर सेट्स आपको वहाँ पर भी मिल रहे हैं, और ये अनस्टिच भी थे। अगर आप अनस्टिच लेना चाहते हो तो 1500 की रेंज में आपको अनस्टिच भी मिल जाएंगे। ये इंसेंस के बाहर एक पूरा एक सर्कल आता है जहाँ पर काफ़ी अच्छे आपको टीज मिल जाएंगे, टॉप मिल जाएंगे। यहाँ पर टेक्सटीज काफ़ी अच्छी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी टेक्सटीज, 100-200 में अच्छी मटेरियल की मिल रही थी, जो आप जिम में या फिर कैजुअल वेयर में पहन सकते हो। ऐसे पैंट्स के बहुत सारे स्टॉल्स देखे जहाँ पर ये खादी की, कॉटन की प्लाजो पैंट्स मिल रही है। तो अगर आप थोड़ा सा बोहो पहनना प्रेफर करते हो, ऑफिस के लिए कुर्तीज़ के साथ ऐसी पैंट्स लेनी हो, तो आप ये मार्केट चेकआउट कर सकते हो। मैक्सी ड्रेसेस बहुत सारी थी आजकल, जितनी भी ये वाली बोहो प्रिंट वाली मैक्सी ड्रेसेस चल रही है ना, ये आपको बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाएगी। अगेन सिमिलर पैंट्स के स्टॉल, ये पैंट्स आपको 400-500 इसी कुछ रेट के अराउंड मिलेगी। बार्गेन करके आप ला सकते हो अपने रेट के हिसाब से। फिर ऐसे कुर्ता सेट्स मिलेंगे जहाँ पे कुर्ता और पैंट का सेट मिलता है, इनमें दुपट्टा नहीं होता, खाली कुर्ता और पैंट्स का मिलता है। चिकनकारी कुर्तियाँ काफ़ी अच्छी थी। देन आई स्पॉटेड दीज, ये ईव्स कलेक्शन करके एक शॉप थी, उसी के आसपास मुझे बहुत अच्छे स्टॉल्स लगे। यहाँ पे आपको नाइट वेयर ड्रेसेस नॉल बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ये अप्सरा एक्सक्लूसिव के साथ ही मैंने एक स्टॉल देखा नीचे बिल्कुल, जहाँ पे 600 रुपीज के टाई एंड डाई के नाइट वेयर सेट मिल रहे थे। ये काफ़ी ट्रेंडी चल रहे हैं आजकल, और ऑनलाइन काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दीज आउट। उसी के साथ हमें शॉप मिली जहाँ पे बहुत अच्छी टेक्सटीज थी, मतलब इनकी टेक्सटीज की क्वालिटी हमें जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी। और मैक्सिमम जो इनके पास टी शर्ट्स थी ना, उन पर लोगो था, लाइक बहुत सारी रोडस्टर की थी जो आपको मिंत्रा से मिलती है, डिज्नी की बहुत सारी टी शर्ट्स थी। देन मैंने स्प्लैश की स्पॉट करी, एंड दीज आर ऑल लाइक ओरिजिनल, ये कहते हैं फैक्ट्री
जैसे होता ना वो निकाल देते अपना स्टॉक, ये उसी टाइप के होते हैं. सो ये सारी ओरिजिनल वहीं की टीज थी. एंड देयर यू गो सम मोर बोहो ड्रेसेस. ये अक्सर एक्सक्लूसिव के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप ये वाला शोरूम के पास अगर जाओगे ना आपको आसपास बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स दिखेंगे जहाँ पर इंडियन वेस्टर्न वेयर काफ़ी अच्छा है. एंड उसके बाद हमने लहंगा पिक किया था मेरी फ्रेंड का, उसके बाद रात ही हो गई थी तो हम फटाफट निकलने वाले थे. हम थोड़ा बहुत और बाहर जाते हुए एक्सप्लोर कर रहे थे. ऐसी फुटवेयर की शॉप आपको बहुत सारी मिलेगी. सो क्लोविया के बिल्कुल साथ में हमें एक स्टॉल दिखा जहाँ पर शिमरी ड्रेसेस मिल रही थी. एंड मैंने आज तक अपने किसी मार्केट में भी ऐसा नहीं देखा जहाँ पर प्रॉपर शिमरी वाली ऐसी ड्रेसेस मिल रही हो जो अर्बैनिक शीन पे नहीं मिलती थी फॉर वेडिंग पार्टीज एंड ऑल. और ट्रस्ट मी इनका मटेरियल बिल्कुल सेम है. मेरी फ्रेंड खुद कह रही थी उसने अर्बैनिक से भी गाउन्स वगैरह मंगाए हुए, शी वॉज लाइक मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, इतना कोई डिफरेंस नहीं है. सो अगर आप कुछ बैचलरेट के लिए अपनी कोई बर्थडे पार्टी फ्रेशर्स पार्टी के लिए कुछ देख रहे हो ना, ये स्टॉल काफ़ी अच्छा है. ये जो है ये क्लोविया के बिल्कुल साथ में है और किन्स का जो शोरूम है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. सो आप देख सकते हो सारा इनके पास शिमरी आउटफिट था, मतलब ब्लू कलर में, रेड में, दो टू पीस सेट भी थे, लॉन्ग गाउन्स थे, हॉल्टर नेक के थे, नूडल स्ट्रैप के थे, ऐसे वाले गाउन्स भी थे जो ऑनलाइन काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं. इन्होंने मुझे एक दो वैरायटी और दिखाई, लाइक ये जो ये दिखा रहे हैं ये एक जंप सूट सॉर्ट ऑफ, लाइक ये नॉर्मल ड्रेस है, लेकिन उन्होंने मुझे एक ड्रेप वाली साड़ी दिखाई थी जो मुझे, ये येस दिस वन, दिस इज़ द ड्रेप वाली साड़ी जो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन अभी दिमाग में है नहीं कि कहाँ पहननी है तो मैंने ली नहीं, बट ये मुझे काफ़ी सही लगी थी. कॉकटेल सॉर्ट ऑफ पार्टी का कोई ओकेजन होना तो ये काफ़ी सही है. यहाँ पे आपको 1000 प्लस की रेंज में ही मिलेंगे ड्रेसेस बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा मटेरियल अच्छा है. और यहाँ से हम फिर आ गए थे वापस बाहर मेन लेन पर. ऑलमोस्ट रात ही हो चुकी थी, 8:30 बज रहे थे, मार्केट पूरी अब रैपअप होने वाली थी, काफ़ी खाली भी हो गई थी. आई वुड से वीकडे में जाओ ज़्यादा खाली मिलेगा ना, अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे. सैटरडे संडे काफ़ी ज़्यादा रश होता है. एंड निकलते निकलते मैंने हेयर बैंड ले लिया था बिकॉज मैं हेयर बैंड लेके नहीं आई थी और मुझे अपने बाल टाई करने थे. आई जस्ट कांट कीप माई हेयर ओपन ऑल द टाइम. सो बाहर निकलते जब मार्केट से वापस बाहर आए, मेट्रो स्टेशन की तरफ आप चलोगे ना तब भी आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी फॉर होम डेकोर, लाइक ये कुशन्स की, पिलो की, बेडशीट्स की, कर्टेन की, जो ये बोहो स्टफ होता है, जो भी ये वुड का जो ट्रेज आती हैं, बाउल्स आते हैं, जो भी किचन एंड ऑल का सामान आता ना, ये आपको ये बाहर वाली लेन पे मिलेगा. तो अगर आप मेट्रो स्टेशन की तरफ बाहर की तरफ से जाओगे ना ऐसे ही आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे. वी ऑल्सो स्पॉटेड दीज इन्फ्लुएंसर वाली चप्पल, व्हाट यू से, बिकॉज आजकल काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स ऐसे वाले क्रॉक्स टाइप की चप्पल्स पहनते हैं, मैंने काफ़ी को देखा है. ये भी अच्छे अफोर्डेबल रेट्स पे आपको मिल रही थी वहाँ पे, सो आप इजीली चेकआउट कर सकते हो. ये भी बॉम्बे सिलेक्शन से थोड़ा सा पहले मेट्रो स्टेशन की तरफ बाहर जाते हुए हमें स्टॉल मिला. ऐसे बहुत शॉप्स आपको बहुत सारी मिलेंगी वहाँ पर मेन रोड पे, सो डेफिनेटली चेक इट आउट अगर आपको मिरर बेस लेना हो, वुड में कुछ लेना हो फॉर होम डेकोर एंड ऑल. एंड या सो दिस वाज माय क्विक लाजपत नगर मार्केट टूर. आई होप इस बार मैंने आपको अच्छे से घुमाया होगा. ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल यार, आपके लिए व्लॉग्स के अलावा मैं इतनी कोशिश करती हूँ अच्छे अच्छे क्लिप्स कैप्चर करूँ. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे. द नेक्स्ट डे. हेलो, इट्स द नेक्स्ट डे. आई एम रेडी फॉर माई जिम. अभी मैं नीचे चप्पल पहनी हुई है. आई शॉट अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस, फटाफट से मेकअप रिमूव किया और मैं लेट हो रही हूँ. और मैं जैसे नीचे आई मुझे दिखा कि मेरा आजियो का पार्सल आ गया. आई ऑर्डर्ड न्यू शूज़, मेरे वो जो मैंने अमेजोन से मंगाए थे ना, किसके थे, आइडास के थे आई थिंक. मैं बोर हो गई थी तो मैंने ये वाले ऑर्डर करे हैं. लेट मी जस्ट अनबॉक्स विद यू गाइस. कि मुझे काफ़ी अच्छी डील पे मिल गया पूमा के, सो मुझे लगा ट्राई करते हैं. मैंने इससे पहले नाइकी के शूज़ पहने हैं और आइडास के तो वो लिए ही थे, वो भी पहने हुए हैं. तो मैंने मुझे लगा इस बार थोड़ी सी वैरायटी हो जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा. सो इसलिए मैंने पूमा के ऑर्डर किए हैं. मुझे इतनी सांस चढ़ गया ना, मैंने फटाफट शूट किया, रैपअप किया और मैं निकलने लग गई थी तो मुझे दिख गया. एंड फिर मुझे याद भी आ गया कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ. मैं भूल जाती हूँ कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ यार. आई एम अ वेरी बैड ब्लॉगर. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. प्लीज़ अच्छे हो ना, मुझे बहुत अच्छी डील पर मिला है. सो अगर गंदे हो गए ना तो बड़ा दुख हो जाएगा. इसको हटाते हैं एंड 1 2 3 टाटा. ओ दे लुक ब्लू. इमेज में इतने ब्लू नहीं थे, दे लुक वेरी ब्लू इन रियल. बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. काफ़ी लाइट वेट है, मुझे लगा थोड़े से अच्छे हैवी क्वालिटी होंगे, बट यार जिस हिसाब से डील मिली है ना, आई थिंक मुझे 2300 समथिंग के मिल गया था डील पे, उसके हिसाब से काफ़ी लाइट वेट है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैं आज पहन के जाने वाली हूँ, मुझे लगा आज आ जाएँ तो फटाफट से पहन लेते हैं. जिम जाने वाली थी एंड जिम की क्लास ही कैंसिल हो गई, तो मुझे लगा नेल्स करा लेते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना.
एंड आई एम बैक होम विद डिसअपॉइंटमेंट ऑफ नो एक्सरसाइजिंग एंड जिमिंग. मैंने लिटरली इतनी जल्दी शूट किया था आज कि मैं टाइम पे जिम जाऊंगी, और जैसे ही मैंने नीचे आके देखा शूज आए तो मैंने फटाफट शूज पहने और मैं निकल गई. मैंने आज कुछ प्रॉपर खाया भी नहीं, मैं वो बार खा रही थी प्रोटीन बार रस्ते में, एंड जिम जाकर धप्पा हो गया कि हमारा जिम बंद है फॉर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस. उसका हमें वैसे मेल आता है, खोल लेती हूँ, पसीने आ रहे हैं. सो उसका हमें मेल आता है वैसे शेड्यूल मेंटेनेंस का, हमेशा हमें 2-3 घंटे पहले जी मेल पे आ जाता है मेल. लेकिन मैं इस बार मेल बॉक्स खोलना ही भूल गई, मतलब मैं सुबह से इतनी बिजी थी. सो जिम तो हो नहीं पाया. उसके बाद मुझे लगा आज टाइम है, आज फ्री हूँ तो जरा कोई नेल सैलून ढूंढ लेती हूँ. तो मैं अपने एरिया में गई, अंदर अंदर जाके मुझे एक नेल सैलून दिखा. मैंने अपने एक्सटेंशन रिमूव करा लिए, दीज आर माई रियल नेल्स विद जेल नेल पेंट. मेरा मन था दोबारा एक्सटेंशन ले लूँ, बट ऑनेस्टली जब वो एक्सटेंशन हटा के मैंने अपनी नेल्स की मतलब हालत देखी ना, मतलब दे लुक नाइस बट दे रियली रूइन योर नेल बेड, और मतलब बर्बाद हो जाते हैं आपके रियल नेल्स. आई वॉज लाइक अब कुछ इवेंट भी नहीं है, कुछ है नहीं स्पेशल, तो जबरदस्ती एक्सटेंशन कराई, क्या करूँ. तो रिमूवल कराया, रिमूवल का उन्होंने मेरे से 500 रुपीज लिया, और फिर मैंने पूछा कि मुझे जेल नेल पेंट करानी है तो कितना, तो दे सेड 500 और दे दो एंड 1000 नेल बी डन. तो मुझे लगा करा लेती हूँ. और वहाँ पे इतने सारे उनके पास जो न्यूड शेड थे मैंने सारे उनसे सॉच करा के देखे, बट आई चोज दिस वन. और ये वहाँ की लाइटिंग में ना अच्छा लग रहा था, लाइक अभी भी अच्छा लग रहा है जब लाइट इस पर पड़ रही है, बट थोड़ा सा डार्क में जाते ही नहीं, बड़ा अजीब सा एकदम लाइट सा पिंक कलर लग रहा है, आई डोंट नो. नाउ आई एम एंडिंग द व्लॉग. ये मैंने कब शुरू किया था, आई थिंक लास्ट वेनसडे में गुड़गांव में जो इवेंट में गई थी, और आज मंडे है. वैसे वीक इन लाइफ इसको करना था, लेकिन ठीक है अगर वेनसडे शुरू किया तो मंडे खत्म करना इज जस्टिफाइड. सो डू लेट मी नो इफ यू लाइक सच व्लॉग्स और नॉट. प्रॉपर आ जाती हूँ, थक गया. सो डू लेट मी नो इफ यू लाइक सच व्लॉग्स और नॉट. आपको ऐसे व्लॉग्स देखने नहीं देखने, लुक एट दिस. ये देसी वे होता है अपने नए सोफों को बचाने का. लिटरली हमारे सारे सोफों पे बेडशीट लगी हुई है अभी. दीज आर ऑल न्यू सोफाज, दिस इज हाउ द सोफा लुक लाइक, मतलब कलर जो है वो इसका है, लेकिन हम उनको अभी बचा कर चल रहे हैं. विद दिस आई एम एंडिंग द व्लॉग. सुपर टायर्ड, काफी ज्यादा पसीने पुसीने आ रहे हैं, मतलब इतनी गर्मी में इतना चल ही लो ना तो वही वर्कआउट हो जाता है. मेरा मन था जिम की क्लिप्स डालने का, बट ठीक है अब तो जिम था ही नहीं तो क्लिप्स क्या डालती. सो अब मैं व्लॉग को खत्म कर रही हूँ. नेक्स्ट जब व्लॉग बनाएंगे ना मुझे बताओ अगर आपको प्रॉपर एक व्लॉग लाइक एज इन वीडियो देखनी है कि मैं वर्कआउट कैसे कैसे करती हूँ. मैं ना प्रोफेशनल नहीं हूँ अभी, मुझे एक्जैक्टली पॉस्चर्स नहीं पता, चीज़ें काफ़ी नहीं पता, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ. बट थोड़ा सा एक बार मेरा सेट हो जाएगा ना कि जब मुझे पता होगा जिम को कैसे इक्विपमेंट्स बेसिकली कैसे यूज़ करते हैं, प्रॉपर तरीका क्या होता है, तो मैं शायद आपके लिए वीडियो बना दूँ. बट या दैट इज इट फॉर डेज वीडियो. गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.